शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह धल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और अन्य की 52.24 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसमें मनीष और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की 2 संपत्तियां और उनके 11 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी शामिल है। 52.24 करोड़ रुपए की जो संपत्ति जब्त की गई है उसमें 7.29 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है, जिसमें मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की 2 अचल संपत्तियां, राजेश जोशी की कैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की जमीन फ्लैट और गौतम मल्होत्रा की जमीन फ्लैट शामिल है। मनीष सिसोदिया के बैंक में जमा 11.49 लाख रुपए, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक बैलेंस सहित 44.29 करोड़ रुपए भी इस कुर्की में शामिल है। यह इस मामले में दूसरा प्रोविजनल अटैचमेंट है। इस घोटाले में कुर्की के लिए जारी किए गए पहले आदेश के तहत विजयनगर, समीर महेंद्रू, अमित अरोरा, अरुण पिल्लई और 76.54 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को जब्त किया गया था। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और तत्कालीन डिप्टी सीएम सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।